जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं कि आज के डेट में जो बीएसएफ के लिए जो फिजिकल हुआ है 19 जुलाई के डेट में, उसका पूरा डिटेल बताएंगे कि बेस्ट टाइम आपका किस स्टेप से वहां पे रनिंग करवाया जा रहा है, रोड रनिंग करवाया जा रहा है या पर ग्राउंड रनिंग करवाया जा रहा है, और बैच बन रहा है तो कितने बच्चों को बैच बन रहा है, और डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सा बच्चा का अभी आपका फिजिकल होने वाला है तो वो डॉक्यूमेंट्स में रिजेक्ट ना होंगे। ये वीडियो को देखेंगे, ए टू जेड सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, पूरा ए टू जेड डिटेल के साथ बताएंगे क्या कुछ वहाँ पे भर्ती हो रहा है, किस टाइप से आपका प्रोसेस हो रहा है, जो ऑलरेडी पहले मैं यहाँ पे नोट भी कर लिया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि इसके पहले जो कल के डेट में भर्ती हुआ था उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देखें वो वीडियो का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वहां पे आज के डेट में और कल भी हुआ था जस्ट वैसे ही प्रोसेस हुआ था, बस थोड़ा डिफरेंस आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका ट्रेड किस स्टेप से लिया जा रहा है, क्या आपका कुक में क्या सभी सवाल पूछा जा रहा है, वो सब कुछ बताऊंगा, और साथ ही साथ इसमें डॉक्यूमेंट्स का भी और आज जो आपका 22 टाइम बना है उसका पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एंट्री से शुरुआत करते हैं। एंट्री जो आपकी हो रही है वो आपका एंट्री हो रहा है, सबसे पहले आपके पास एक आईडी होना चाहिए, आईडी प्रूफ या तो आधार कार्ड या कोई भी आपका आईडी प्रूफ के तौर पे होना चाहिए, और दूसरा आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, एडमिट कार्ड और एक आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, बेस्ट आपका रहेगा वहाँ पे आधार कार्ड मांगा जा रहा है तो आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वहाँ पे एडमिट कार्ड लिया जा रहा है तो एडमिट कार्ड पे उसके बाद आपको मुहर लगाया जा रहा है, देन उसके बाद आधार वेरिफिकेशन के द्वारा एक वहाँ पे आपको कागजात मिल रहा है, कागजात का एक पेपर का फॉर्मेट मिल रहा है, वो फॉर्मेट में आपका नेम, रोल नंबर और आपका ट्रेड टेस्ट का पूरा डिटेल वहाँ पे लिखा जा रहा है। उसके बाद आपको ग्राउंड में, मतलब कि जहाँ पे आपका रनिंग करवाया जा रहा है वहाँ पे डायरेक्ट आपका फिजिकल के लिए लिया जा रहा है। तो फिजिकल में आपका क्या हो रहा है कि आपका देखिए रोड रनिंग करवाया जा रहा है, जहाँ तक रिपोर्ट आ रही है रोड रनिंग, एक जगह का रिपोर्ट आया है कि आपका ग्राउंड भी टाइप के है लेकिन रोड मतलब मिट्टी का नहीं बना हुआ है, वो आपका रोड है, ठीक है, मतलब गोल है, तो उसके आपका गोल है वो चार चक्कर लगा रहा है, मतलब बहुत जगह पे अलग अलग टाइप के हुआ है, मतलब बहुत जगह दो टर्न ओवर अप डाउन कर ले रहे हैं, अढ़ाई किलोमीटर तो उनका रनिंग होता रहा है, तो लेकिन 5 किलोमीटर आपका हो रहा है, आज एक जगह का रिपोर्ट आया है वो आपका रोड ही था लेकिन आपका गोल था वो आपका 5 किलोमीटर करना था और 4 राउंड लगाना था, ठीक है। और उसमें जो आपका टाइमिंग दे रहा है, लिए जो टाइमिंग दे रहा है वो पूरा प्रॉपर फुल टाइमिंग दे रहा है, 24 मिनट का इसमें आपका टाइमिंग दे रहा है, देन उसके बाद जैसे ही आप रनिंग क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका हो रहा है, जैसे मैं हाइट वेट चेस्ट, सबसे पहले आपको हाइट ही मापा जा रहा था, तो हाइट लिया जा रहा है, तो हाइट 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, इतना आपका हाइट लिया जा रहा है, उसके बाद होना चाहिए 78 सेंटीमीटर नॉर्मल, ठीक है, और खुला के आपका 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बहुत से लोग चेस्ट में भी रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो, आपको जो भी आपके पास 10-8 दिन टाइम है, आपका लग रहा है कि हम चेस्ट होता नहीं है, तो आपको क्या करना है, केला दूध आपको खाना है और उसके बाद डीप्स आपका ज्यादातर मारना है और एक्सरसाइज करना है, क्योंकि 8-10 दिन भी काफी होता है चेस्ट में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करने के लिए। तो चेस्ट में बहुत बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए चेस्ट की जो भी आपके पास टाइमिंग है वो तैयारी कर ले, बढ़ा ले चेस्ट, बाद वेट कर और आयु के अनुपात के हिसाब से नॉर्मल आपका वेट होना चाहिए। देन उसके बाद आपका जैसे ही हो रहा है फिजिकल आप पास कर रहे हैं, तो उसके बाद उसी दिन उसी समय आपको लिया जा रहा है, मतलब कि आपका ट्रेड टेस्ट हो रहा है। ट्रेड टेस्ट में जैसे मैं आपका कुक का हुआ था, तो कुक में आपका जो ट्रेड टेस्ट में बताया जा रहा है कि ज्यादा कुछ खास नहीं, आपका जैसे रोटी वहां पे बनाया जा रहा है, बिलवाया जा रहा है, और उसके बाद वहां पे आपका मतलब कि सलाद काटने आना चाहिए, नॉर्मल यही अभी जो रिपोर्ट आया है इस टाइप से आपका वहां पे ट्रेड टेस्ट में लिया जा रहा है कुक में, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपका 2-3-4-5 मसाला का नाम याद होना चाहिए, सब्जी वगैरह का नाम याद होना चाहिए, ये सब्जी को क्या मतलब पूरा पूछ सकते हैं कि 10 सब्जी का नाम बताओ तो फटाफट आपको बताना पड़ सकता है, 4 मसाला का नाम बताओ तो उसके हिसाब से आपको बताना होगा, बस 4-5 आपका मसाला का नाम याद होना चाहिए, दूसरा आपका सलाद काटने आना चाहिए और आपका रोटी बनाने आना चाहिए, वही आपका ये ट्रेड टेस्ट में अभी कुक में लिया गया था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा सब कुछ मतलब कि यही सब कुछ हो रहा, और मैं आपको बता दूं कि बैच, तो बैच जो वहां पे आपका बन रहा है वो आज के डेट में कहीं पे आपका 150-200 का भी बैच बन रहा है और कहीं पे आपका 100 के आसपास भी बैच बन रहा है, अलग अलग सेंटर के हिसाब से अलग अलग रिपोर्ट आई है, लेकिन कल जो बैच बना था वो 40 का, लेकिन आज जो रिपोर्ट आ रहा है कहीं पे 100 का तो कहीं पे 150-200 का बैच बन रहा है, और उसमें 150-200 में जो बच्चे को सिलेक्ट हो रहे हैं, जो सिलेक्टेड हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उसमें से मतलब कि सभी बच्चे पास हो ही जा रहे हैं, मतलब कि उसमें 20-30 बच्चे को रिजेक्ट किया, मतलब फेल हो पा रहे हैं, रिजेक्ट किया फेल हो पा रहे हैं वहां पे, बाकी मतलब 150 में तो 130 बच्चे को पास हो जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आपका मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन में आपका क्या लिया जा रहा है, जैसे ट्रेड टेस्ट पास करेंगे तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका
मार्कशीट होना चाहिए और आपका मतलब कि एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और एक आपका मार्कशीट आपका होना चाहिए, टेंथ का मार्कशीट होना चाहिए और फोटो होना चाहिए, 5 आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, फोटो आपका बिल्कुल ही नेचुरल होना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, फेस जैसा है वैसे ही आपका फेस होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए और लेटेस्ट का फोटो होना चाहिए। नेक्स्ट कास्ट और ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए वो आपका सेंट्रल वाला होना चाहिए। नेक्स्ट डोमिसाइल, जिसे मूल निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है, तो मूल निवास प्रमाण पत्र भी सर्टिफिकेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लेकर जाना है। और बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जब आप अप्लाई किए थे तो उस वक्त एक्सपीरियंस जो चीज के भरे थे वही वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहां पे लिया जा रहा है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ रहा होगा कि बीएसएफ फिजिकल में जो रिव्यू क्या आया है वो मैं आपके साथ जानकारी शेयर किया, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ। कोई अगर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन आता है इसके रिगार्डिंग, तो वीडियो के माध्यम से आपके साथ सबसे पहले जानकारी शेयर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।